उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर के पंतनगर क्षेत्र में नशे में धुत सिपाही द्वारा की गई भाजपा बूथ अध्यक्ष की पिटाई। पिटाई से नाराज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंतनगर थाने में पहुंचकर दोषी सिपाही के ऊपर जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बताते चलें कि बीती रात थाना पंतनगर में तैनात सिपाही मोहन सिंह नशे में धुत होकर रात्रिकालीन ड्यूटी में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कोई झूठी शिकायत मिली, जिस पर नगला पहुंचे सिपाही ने भाजपा बूथ अध्यक्ष धनुज यादव के साथ गाली गलौज करते उसकी मारपीट कर दी। जैसे ही पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई की गई, पिटाई की खबर कार्यकर्ता को लगी तो भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। इसी के चलते आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंतनगर थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। धामी जी के सरकार से इसलिए बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करना चाहूंगा कि मैंने जितनी भी घटनाएं देखी, इससे पूर्व सरकारें होती थी, सरकारों से लीपापोती करने का काम करती थी, दबाने का काम करती थी। जब याद होगा आपको, जब कांग्रेस के टाइम मैनेज घोटाले का हम लोगों ने सवाल उठाया कि कैसे इतना पैसा जमा हुआ है एक ही उधम सिंह नगर से एक ही खाते में कांग्रेस के, कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई जांच नहीं हुई। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखें, जैसे ही UKSSC वाला मामला आया तुरंत हमारे मुख्यमंत्री ने उसमें SIT बैठाई और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए, पूरे रैकेट का खुलासा हुआ और उन लोगों का भी खुलासा हुआ जिन्होंने नकल से परीक्षा की थी। ऐसे ही विधानसभा भर्ती घोटाले का जैसे ही प्रश्न आया, एक मिनट नहीं लगाया, मुख्यमंत्री ने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष से बात की, पत्र लिखा, जांच हुई और सारी नियुक्तियां रद्द की गई। ऐसे ही अंकिता हत्याकांड में भी आपने देखा होगा कि तत्काल तत्परता से सरकार लगी। जैसी सरकार के संज्ञान में बात आया, उन्होंने राजस्व पुलिस को भी जवाबदेह ठहराया, वहाँ की लोकल पुलिस को जवाबदेह ठहराया, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई करने का फैसला किया, SIT को उसकी जाँच दी, साथ ही साथ उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए 25 लाख रुपये सहायता भी दी। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसमें मैं ऐसी कार्रवाई कराऊंगा जो उत्तराखंड में नज़ीर बनेगी। इसका मतलब कि हम अपराध या भ्रष्टाचार को, अगर कोई शिकायत आती है तो उसको कुचलने के लिए और उसमें दोषियों को दंडित करने के तत्पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो पहले सरकारें थीं वो उसको छुपाने और ढकने का प्रयास करती थी क्योंकि वो लोग लिप्त होते थे उसमें। हम लिप्त नहीं हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आएँ ताकि समाज सुधरे, प्रशासन सुधरे और एक हम पारदर्शिता के साथ अच्छी सरकार दे सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।